दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास में सैमसंग के मोबाइल आते हैं उसमें पैटर्न लगे हुए हैं तो किस तरीके से उसके आप TWRP डाल के इस पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। और वो फाइल आपको यहाँ पर ये देखिए पैटर्न की करके फाइल है। अब इस फाइल को भी कर देते हैं डिलीट। अब ये स्वाइप कर दिया यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा पैटर्न निकल चुका है और यहाँ पर मैं आसानी से अपना कॉन्टैक्ट, इमेज, सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा टेलीकॉम और मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और EMC रिपेयरिंग के मिलने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास में सैमसंग के मोबाइल आते हैं उसमें पैटर्न लगे हुए हैं तो किस तरीके से उसके आप TWRP डाल के इस पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ऐसे वीडियो आपको इंटरनेट पर बहुत मिल जाएंगे और बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि ओल्ड मेथड है। ठीक है, मैं समझता हूँ, बट इस मेथड को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो मैं इस मेथड को सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूं और इस पैटर्न को निकाल के आपको दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए इस फील्ड में आए हैं उन लोगों को भी यह मेथड नहीं पता होगी। फिर भी यह मेथड बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता TWRP डाल के हम पैटर्न को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये वीडियो को वो पूरा देख सकते हैं। अगर जिनको पता है तो वीडियो का भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह का काम सीखना चाहते हैं, पैटर्न निकालना, सही तरीके से फ्लैशिंग करना, IMA रिपेयर करना, बेसबैंड रिपेयर करना या कंटेनर लॉक करना, या सही बाइंडिंग कैसे फाइल पहचाने, कैसे फ्लैशिंग, कौन से टूल के साथ क्या फाइल लें, कौन से ड्राइवर कनेक्ट करें, किस मोड में लेके आए, फोन में कौन कौन से मोड होते हैं, तो सारी चीज़ समझने के लिए आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने की 13 तारीख का बैच लगता है और यहाँ पे 6 से 8 घंटे की क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा और ये सारी चीज़ें, ताकि आपके बिजनेस में आपको, दोस्तों अगर मेरे को नॉलेज होगा मेरे काम में तो मेरे काम में मैं आगे बढ़ूंगा। वैसे ही अगर आपको नॉलेज होगा आपके काम में तो आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सो इसका पैटर्न निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका पैटर्न निकालने के लिए मुझे चाहिए एक TWRP, एक फाइल, एक TWRP रिकवरी फाइल है और बेसिकली कस्टम रिकवरी है। रिकवरी कितने प्रकार की होती है, कस्टम और स्टॉक क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में इसको जरूर बना के डालूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चाहिए मुझे ओडिन और एक सुपर सू। हालांकि सुपर सू की जरूरत नहीं है, ये मैंने डाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको रूट करूंगा और इसको रूट करने का भी एक वीडियो एक अलग डालूंगा। सो अगर मैं बात करूं, मैं सबसे पहले ओडिन में जाता हूं, ओडिन ओपन करता हूं और ओडिन ओपन करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे इसमें AP में जाना है और TWRP फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ये TWRP फाइल दोस्तों मॉडल वाइज होती है, जो मैंने इसकी डाउनलोड करके रखी हुई है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, कौन से क्या मॉडल लिखना है, सारी चीजें जो डिटेलिंग की जाती है वो मैं अपनी क्लास में करता हूं। अगर आप इसको सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो क्लास में आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लास में। सो अभी दोस्तों मैं करता क्या हूं कि ये देखिए आपके सामने ये पैटर्न लगा हुआ है और मैं मेरा ये जो वॉलपेपर है, ये मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है, स्क्रीन हल्की, हालांकि आपको यहाँ से क्रैक दिखाई दे रही होगी पर ठीक है, फिर भी ये काम कर रहा है। और जो हमारा मसला है ये पैटर्न निकालने का, वो हम निकालते हैं। तो किस तरीके से इस पैटर्न को निकालो, तो सबसे पहले मैं इस फोन को पावर ऑफ कर देता हूँ। तो चलिए हमने इस फोन को कर दिया है पावर ऑफ और अब हम इस फोन को डालेंगे डाउनलोड मोड पे। सो वॉल्यूम डाउन, पावर की एंड होम बटन से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और इसको डालता हूँ डाउनलोड मोड पे। सो देखिए फोन डाउनलोड मोड पे आ चुका है, अब हम इसको केबल के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए ये फोन हमारा डाउनलोड मोड पे है और ये केबल के साथ हमने कर दिया है कनेक्ट। जैसे हम इसको केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, आप टूल्स में देखेंगे यहाँ पर आपको कॉम दिखाई देगा, जो कि एडिट करके दिखाई दे रहा है। अब आप इसके ऊपर जस्ट देखिएगा, जस्ट कॉम के ऊपर आपको दिखाई देगा एक फोल्डर, एक जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक कलर का फोल्डर। मैं जैसे स्टार्ट दबाता हूं वहां पर चलेगी रिकवरी और कैश, ये दो चीज चलेगी जिससे ये हमारा फोन, इसमें जो TWRP है ये रन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टाइम लगता है कैश फाइल चलने में, सो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के ये काम कीजिएगा। दोस्तों जो हम रिकवरी से पैटर्न अपना रिमूव करते हैं उसके लिए जरूरी है कि हमारा OEM डिसेबल हो, क्योंकि अगर वो एनेबल होगा तो हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर OEM इनेबल है तो TWRP को आप फ्लैश नहीं कर सकते हैं। सो ये मैटर इसके लिए नहीं है। फिर भी जिस फोनों में आपको, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपके पास में कोई सैमसंग का फोन आया और देखिए हालांकि इसमें ये पास हो चुका है और ये मेरा फोन रिकवरी मोड पे ऑन हो जाएगा। मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा, अगर आपका फोन आता है सैमसंग का
और सैमसंग के फोन में आप जैसे इसको डाउनलोड मोड पे ले जाते हैं, अगर आपको वहाँ पे FRP लॉक ऑफ दिखाई दे रहा है सो ये मैटर आपके लिए 102% वर्क कर जाएगी। कोई सा भी एंड्रॉयड होता है, भले कोई सा भी वर्जन हो, ये मैटर आपके लिए 102% वर्क कर जाएगी, बट बसरते आप इसमें TWRP डालें। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको करना है नॉर्मली, अब आप जाएंगे यहाँ पे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद आपको जाना है फाइल मैनेजर पे, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपको सिस्टम के अंदर जाना है। तो देखिए ये आपकी सिस्टम की फाइल है। सिस्टम के बाद जाने पर आपको दो फाइलों को डिलीट करना है, तो मैं आपको दो फाइल है वो यहां पे लाके दिखाता हूं दोस्तों। सो ये जो दो फाइल है आपकी, देखिए तो ये पहली फाइल है गेट कीपर पासवर्ड की, मैं आपको यहां से दिखाता हूं ये फाइल कौन सी है। ये देखिए ये है डाटा सिस्टम और ये आपको फाइल मिलेगी गेट कीपर। और आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके पास में अगर ऐसा फोन आए जिसमें FRP लॉक ऑफ हो, आप TWRP डाल के उसका पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। गेट कीपर पैटर्न को हम करेंगे यहाँ से डिलीट के ऑप्शन में टिक, और उसके बाद स्वैप करेंगे, और स्वैप करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैं स्वैप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ये स्वैप हो चुकी है। अब बैक करेंगे, अब एक और फाइल को करेंगे डिलीट, और वो फाइल आपको यहाँ पर, ये देखिए पैटर्न की करके फाइल है, अब इस फाइल को भी कर देते हैं डिलीट। अब ये स्वैप कर दिया यहाँ पर, अब बैक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फाइल और दिख रही है बैक पिन, मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट और बैक करता हूँ। तो अब देखिए मुझे इस तरीके की कोई भी फाइल नहीं मिल रही है, जिस जिसमें आपको पैटर्न लिखा हो आपको उस फाइल को कर देना है डिलीट। और गेस्टर करके लिखा है, बेसिकली गेस्टर पैटर्न करके लिखा होगा, आपको उसको कर देना है डिलीट। सो अब मैं इसको करूंगा रिबूट, और रिबूट करूंगा मैं सिस्टम से, और देखता हूं कि दोस्तों यहां पे मेरा पैटर्न निकलता है कि नहीं निकलता है। हालांकि ये मेथड काफी पुरानी है और ये मेथड उन मोबाइलों में वर्क नहीं करेगी जिसमें OEM इनेबल हो, क्योंकि OEM इनेबल होगा तो TWRP आप इसमें नहीं डाल पाएंगे। पर दोस्तों अगर आपके फोन में OEM डिसेबल है या फिर FRP लॉक आपका ऑफ है तो आप आसानी से ये पैटर्न निकाल सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा पैटर्न निकल चुका है, और यहाँ पर मैं आसानी से अपना कॉन्टैक्ट, इमेज, सारी चीज़ें यहाँ पर एसेस कर सकता हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि हमारा पहला पैटर्न लगा था, पैटर्न हमारा निकल चुका है। सो ये हमने निकाला बड़े ही 2 सेकेंड में TWRP की मदद से। पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया ये मेथड तभी काम करेगी जब आपका FRP लॉक ऑफ हो, क्योंकि अगर आपका FRP लॉक ऑन है तो आप इससे ये वाला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि FRP लॉक अगर ऑन भी हो तो आप किस तरीके का मेथड बना सकते हैं, सो आप किस तरीके का मेथड यूज कर सकते हैं। हालांकि ये मैं अपनी क्लास में सिखाता हूं, और यहां पर हम 8 ओरियो तक भी पैटर्न निकाल सकते हैं, UMT से भी निकाल सकते हैं, और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं हैक्स या फिर उसके जो सिस्टम जिसमें हम फाइलों को एडिट करके पैटर्न निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू किसी न किसी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपको सही तरीके से और सीखना है, और आपको जल्दी सीखना है, और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्मार्ट टेक्नीशियन बने, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें से एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है, हमें से अपना काम ही नहीं करना है, हमें बाकी दुकानदारों का भी काम करना है जो बेचारे सिर्फ यूट्यूब के भरोसे जीते हैं। हम उनसे भी काम लेंगे और उनका भी काम करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें इसी तरह से एसर टेलीकॉम देवेंद्र नगवाल। सर ये मैंने अभी अपनी लाइफ में लगभग 10 साल तो हो चुके थे काम करते, और मेरे को ना कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं था, और पैरेलल सीरीज और ये कंपोनेंट के बारे में मेरे को यहीं पे आके, और वो भी दो दिन में यहाँ पे आके आपको कंपोनेंट की नॉलेज हो जाती है। मेरे कहने से तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एशिया टेलीकॉम को चुनो और कामयाब रहो। सबसे अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे
आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर। अच्छा, अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। तो आपने दो दिन पहले आया था तो सर ने बोला था कि दो दिन के बाद ही फीस देते, दो दिन डेमो क्लास देने के पहले हमको समझ गया कि ये कैसा है सर सिखाते हैं। मैं पहले से थोड़ा काम करता था लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पूरा मतलब कम्प्लीट नॉलेज मिल गया यहाँ। मतलब कोई भी अगर सीखना चाहता है तो इसे टेलीकॉम में आए। और जो ये सर बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल करवा दिखाते हैं, यह सब प्रैक्टिकल सब सही तरीके से नॉलेज देते हैं। ट्रेसिंग वगैरह का बहुत सी जगह पे इंटरव्यूड है जो अपने को आधा अधूरा नॉलेज देते हैं तो उनको ट्रेसिंग वगैरह सिखाया नहीं जाता है। मैं यहाँ के अच्छा ट्रेसिंग सीख गया हूँ और कोई भी फॉल्ट रहेगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कंफ्यूजन तीसरे दिन में पूरा कंपोनेंट का नॉलेज पूरा आ गया फुल, मतलब मोबाइल के मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं पूरी नॉलेज मिल गई। फिर आगे अभी 10-12 या दिन हो गए उसमें तो पूरा हार्डवेयर का पूरा कोर्स हो गया। अभी हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सर बना लेंगे। अच्छा, दो दिन आपको जब तक था क्या आपसे पैसे लिए गए? नहीं सर, दो दिन के कोई पैसे नहीं लिए। रात तक 7-8-9 बजे तक क्लास चली दोनों दिन। अच्छा, और फिर 7 बजे तक यहाँ से क्लास चलती थी, फिर रात में भी क्लास चलती थी हॉस्टल में? 12-1 बजे तक क्लास चलती थी। दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूँगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कन्फर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो फेसबुक भी आया था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेगी। अच्छा, देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। फॉलो करने मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा फिर बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। सर ये नहीं बोलते हाँ हमें बोलना है कि नहीं ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा चुना जाए, तो मैंने फिर नेपाल यहाँ पे आया, पिछले दिन जनता उनको चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एक अच्छा सा स्वाद आ सकता है।
सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा स्कूल में खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कानून व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक बालक को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और जो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 9001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.